मौसम वाला इलाका है। जिन जगहों में दुनिया के सबसे अजीब मौसम होते हैं ये उनमें से एक है। यहाँ टोर्नेडोस, थंडरस्टॉर्म्स और कैटरीना जैसे हरिकेन आते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद माय न्यू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आपको बहुत अच्छे होंगे। और अभी कुछ दिन ही बचे हैं एंगेजमेंट को लेकर, एंड बहुत नर्वसनेस है, बहुत ज़्यादा। एंड ये सब कुछ लाइफ में ये जो मोमेंट होते, तो आप सबको बता दें अभी कि अभी कुछ दिन ही बचे हैं। वो क्लिप थोड़ा आगे पीछे हो गया तो मैं वापस से इंट्रो दे रहा हूँ अपना। कैसे हो आप सब दोस्तों? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड वेलकम बैक विद माय न्यू अनदर ब्लॉग। और अभी के जो ब्लॉग्स रहने वाले हैं वो थोड़ा एक्साइटमेंट रहने वाले, एक्साइटमेंटेड मुझे बोलना नहीं आता, बट एक्साइटमेंट वाले और रहने वाले हैं। कुछ ब्लॉग सरप्राइज रहने वाले हैं, कुछ ब्लॉग फैमिली वाले रहने वाले हैं, और काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं जो एपिसोड जो मैं अपलोड करने अब जो सीरीज चालू होगी, आप सब आई होप आप सारी की सारी सीरीज देखोगे, सपोर्ट भी करोगे। एंड अभी बस ऑफिस के लिए रेडी हो चुका हूँ। आज थोड़ा तभी ठीक नहीं था मेरा, तो फिर मैं नहीं लेट थोड़ा बस मेरा निकल गया, तो फिर मैंने दूसरा गाड़ी बुलाया। और अभी हम बस पैकिंग तो चल ही रही है, और मेहनत मतलब पैकिंग तो चल ही रही है अभी, और बस कुछ ही दिन बचे हैं एंगेजमेंट को लेकर। और ये जो पल होता है इंसान की लाइफ में हमेशा यादगार रहता है, मेमोरेबल ही मोमेंट रहता है ये वाली चीज़ों को लेकर। एंड बहुत सी चीज़ होने वाली है, सो आप सब आई होप आप सब देखोगे। और एंगेजमेंट की डेट आपको पता, मेरी वो बहुत पहले ही कर दी थी 15 जुलाई। एंड अभी हम अब से जो ब्लॉग्स रहेंगे हम आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से, एंड आई नो मैंने काफ़ी अपनी फैमिली को हाइड रखा, मतलब मैं ज़्यादा कैमरे में लाता भी नहीं हूँ, बट इस बार कैमरे में लाना पड़ेगा। इस बार सब कैमरे में कैप्चर होंगे इस GoPro, क्योंकि 360 एंगल है तो सब कुछ GoPro कैप्चर कर लेता है। तो फिर आप वेट और इंतज़ार करिए, और बहुत सी चीज़ अच्छी अच्छी होने वाली है लाइफ में, और ये चीज़ें इंसान हमेशा ताउम्र याद रखता है, मैं भी याद रखूँगा। एंड देखो क्या होता है, शादी का तो अभी कुछ कह नहीं सकते, जल्दी भी हो सकती है, पहले भी हो, बहुत जल्दी भी हो सकती है, कुछ भी आइडिया नहीं है मुझे भी, और मुझे भी नहीं आइडिया है कि शादी होगी, लेकिन जल्दी भी हो सकती है, बहुत जल्दी भी हो सकती है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। जैसे एंगेजमेंट का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, हकीकत में मैंने कभी नहीं सोचा था कि 2024 में मेरा एंगेजमेंट होगा, और मैंने कुछ भी प्री प्लानिंग नहीं था, ये कुछ भी ना ही कभी देखा था, ना कभी मैं उनसे मिला था, जो कुछ भी हो रहा है रैंडमली हो रहा है, और कोइंसिडेंटली मतलब पता नहीं कैसे कनेक्शन, आई डोंट नो कैसे सब कुछ हुआ, बट ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और घर पे भी बहुत अच्छा, घर पे भी मम्मी ने सारी शॉपिंग मतलब इस बार की शॉपिंग जो करी मम्मा ने वो अकेले ही करी, अफसोस मैं ना जा सका, बट देखो जो माँ होती है ना, मैं हकीकत बता रहा हूँ, एक माँ जो होती है ना मतलब मेरी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई ब्रदर, क्योंकि मेरी मॉम ने मेरे लिए बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, मुझे इतना अच्छा ब्राइट फ्यूचर दिया, पढ़ाया लिखाया, एंड मेरी मॉम ने मेरे फादर ने मेरे लिए बहुत मेहनत करी है, सो अभी भी मेहनत कर ही रहे हैं, और मैं भी उनके लिए मतलब मेहनत करता ही हूँ। मेरा जो कुछ भी, मैं चाहे कम कमाता हूँ, ज़्यादा अर्न करता हूँ, जितना भी अर्निंग करता हूँ ना, मैं सब कुछ मॉम के हाथ में दे देता हूँ। मैंने कभी पैसों को लेकर अपनी फैमिली से वो नहीं किया कॉम्प्रोमाइज़, मैं जो भी कुछ कमाता हूँ अपनी मॉम के हाथ में ला के रख देता हूँ, और मेरी मॉम ने मुझे जितना सपोर्ट किया है, मेरी मॉम के अलावा एक मेरी सिस्टर है मनीषा, उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, एंड बहुत कुछ मतलब अब जो होने जा रहा है ये सब कुछ मेरी मॉम की वजह से, और जो लड़की को जिन्होंने पसंद किया है वो भी मेरी मॉम की पसंद है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा, बट ठीक है, मॉम की पसंद बहुत अच्छी होती है अक्सर इंसान, बट अभी बहुत अच्छी चीज़ होने वाली लाइफ में, एंड मैंने तो कभी प्री प्लानिंग ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। और ये देखो बारिश का मौसम, एंड अभी देखो क्या होता है, अभी आज 8 तारीख हो गई, 9, 10, 11, मैं 2 दिन बाद निकलूँगा अबरोड, और वहाँ जाकर मम्मी ने सब कुछ प्लानिंग कर दिया, सब कुछ शॉपिंग कर ली है, सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया है, एंड बस अब जाना है, और बारिश का मौसम हो रहा है। आई विश कि 15 जुलाई को बारिश ना आए, अगर बारिश आ गया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा, चौपट जैसा मैंने सोचा है वैसा कभी भी नहीं होगा।
एक मिनट, देखो मम्मी की बात कर रहा था, मम्मी का कॉल आ भी गया, एक मिनट। हेलो, कॉल आ गया एंड अभी तो अभी जस्ट टाइम होना आया है अपने पास। टाइम टाइम क्या हो रहा है, अरे कैमरा दिख भी रहा, टाइम 9 बजने वाली है, गाड़ी भी आने वाला है। और बस अभी मैं कुछ टाइम से मतलब थोड़ा अनएक्टिव था, थोड़ा बिजी सा चल रहा था, दैट्स व्हाई ये अपना जैकेट। वो माँ मेरे प्रेस के कपड़े के लिए प्रेस, आधे कपड़े प्रेस कर लिए और आधे कपड़े प्रेस करने हैं। ये मेरा मनी प्लांट जो कि सूख, और मेरा जैकेट एंड और बहुत सी चीज़ें हैं लेने को। मेरा स्लीपर। बारिश का मौसम तो हो रहा है, बट आई विश कि 15 जुलाई को बारिश ना आए। और 15 जुलाई को बहुत एक्साइटमेंट वाली चीज़ होने वाली है, तो आप सब वेट करिएगा एंड बहुत सी चीज़ें होगी भी। सो हम आपको सब कुछ दिखाएंगे हमारे ब्लॉग्स के अंदर। सो अभी पटेल के मतलब आपके छोटे भाई के ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट दिखाएं एंड कीप लव एंड कीप सपोर्ट। एंड हम बहुत अच्छी ग्रोथ पर है अभी, एट प्रेजेंट अभी बहुत अच्छी ग्रोथ पर है। सो आई होप आप सब बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाओगे एंड दिखाना भी, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच एंड कीप लव एंड कीप सपोर्ट। और अभी के जो व्लॉग्स आएंगे वो नीतू के साथ में आएंगे एंड यू नो व्हाट एंड यू नो काफ़ी लोगों को पता भी है कि नीतू कौन है, कोई सी पता चल गया होगा आपको। सो तो अब के जो व्लॉग्स हम बहुत हमने मैंने मतलब ये मेरी प्लानिंग है कि हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। एक मेरा प्लान था केरल, जो शुरू से मैंने सोच रखा था, जो मतलब ये नहीं सोच रखा था, ये सोच रखा था कि शादी के बाद केरल जाएंगे। और एक जाना था कन्याकुमारी, ये दो चीज़ मुझे घूमनी है। तो बस उसी के लिए अब लगता है मुझे वक्त, वो जो मैंने सोच के रखा था वो टाइम अब आने वाला है बहुत ही जल्द, बहुत ही करीब। केरल और कन्याकुमारी और एक कश्मीर, ये तीन जगह मेरा मतलब जाना है। और इस और वेट करते हैं अब, ठीक है। तो ठीक है, बाय 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 बाय। और मुझे मेरा पासपोर्ट भी बनाने के लिए देना है, उसका थोड़ा मैं सोच रहा हूँ अहमदाबाद से बनाऊँ या वहाँ से बनाऊँ, देखो क्या होता है। क्योंकि हम दोनों के पासपोर्ट जो है वो साथ में ही बनाने के लिए, क्योंकि मे बी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम के अंदर इंटरनेशनल हम टूर पे जा सकते हैं, मतलब ऐसा सोच के, मतलब इसलिए पासपोर्ट का पहले से सब कुछ प्लानिंग करके रखा है। पासपोर्ट बन जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आने वाले टाइम के अंदर 2025 में या 2024 की एंडिंग में पॉसिबिलिटी है कि इंटरनेशनल टूर हो सकता है। सो तो कीप लव एंड कीप सपोर्ट, बाय बाय बाय, लव यू, मिलते हैं बहुत ही जल्द आने वाली ब्लॉग्स के अंदर। और सारे ब्लॉग्स को देखना, सारे ब्लॉग्स को प्यार सपोर्ट सब कुछ दिखाना, बाय।